बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसके अंदर घुसकर कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा ही कहना है सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु, उनका परिवार, उनके बारे में हमें पूरी संवेदना है। हम भी भावनाशील व्यक्ति है, भावनाशील सरकार है, हम भी है। तो उस बारे में अभी मैंने कल इतना ही कहा कि थोड़े परिवार को शांति से लेना चाहिए, धीरे से लेना चाहिए। किसी ने चला दिया कि मैंने धमकी दी, उसमें क्या धमकी होती है? बोलने की भी कोई चीज है ना? मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूं। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई का दरवाजा खटखटाए, फिर मैंने कहा कि यूनो में जाओ, क्या सीआई में जाओ, या केजीबी के पास जाओ। लेकिन मुंबई पुलिस भी एक ऐसी एजेंसी है पूरे देश में, हमेशा उनके ऊपर सभी ने विश्वास रखा है। सुशांत सिंह राजपूत भी हमारा लड़का था, मुंबई में रहता था, मुंबई के साथ मिला जुला था, एक अभिनेता था, बॉलीवुड का एक घटक था। बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है, तो हमसे उससे क्या दुश्मनी है? हम भी चाहते हैं उसके परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। हम भी चाहते हैं कि सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है, वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहां बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके पिताजी के साथ है, उनके बहनों के साथ है, सबके साथ है। मुंबई की पुलिस पूरी तरह से प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है पूरे देश में, पूरे विश्व में, और कोई किसी को भी नहीं छोड़ेगा, आपने देखा हो। लेकिन अगर किसी बात की राजनीति कोई करना चाहता है तो कौन रोकेगा? हम हमारे खून में, हमारे जहन में, इस देश के इतनी राजनीति घुस गई है, राजनीति करती है कि हम ऐसे जो मौत होती है वो मौत को भी हम राजनीति का एक हथियार बना लेते हैं। इसीलिए हम थोड़ा हमारा गुस्सा फूट जाता है सबको। हम भी चाहते हैं एक युवा अभिनेता है, उभरता हुआ अभिनेता, इसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके दूसरे के कारण क्या है, सब जानना चाहते हैं।